BASPCL मजबूरी में छोड़ा जम्मू कश्मीर, बाद में बने भारतीय टीबीज के सबसे युवा कप्तान। विश्व कप 2011 का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, मैदान अहमदाबाद का मोटेरा और टीम भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। एक बाएं हाथ के बल्लेबाज ने ब्रेटली की आग उगलती गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री के बाहर भेज दिया था। विश्व कप के बाद कई बल्लेबाजों के शॉट और रन बनाने के किस्से चर्चा में रहे। सहवाग का पाकिस्तान के खिलाफ एक ओवर में 5 चौके, धोनी का विश्व विजयी छक्का, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सचिन की सेंचुरी, इन सभी के बावजूद मेरे मन में सुरेश रैना का इकलौता छक्का हमेशा के लिए छप गया। रैना का आज जन्मदिन है। सुरेश रैना टीम इंडिया का वो खबू खिलाड़ी जो अपने घुटने को क्रीज पर टिकाकर बल्ले का पूरा भार गेंद के पीछे ले जाकर एक खास शॉट बनाता जिससे गेंद सीमा रेखा के पार ही गिरती। रैना के पिता कश्मीर और मां हिमाचल की रहने वाली हैं, लेकिन कश्मीर में पनपे खराब माहौल के बाद उनके परिवार को अपना घर छोड़ना पड़ा। इसकी वजह से सुरेश रैना का जन्म हुआ दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मुरादनगर में। सुरेश रैना ने टीम इंडिया के लिए वनडे डेब्यू साल 2005 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में की। 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 में पदार्पण का मौका मिला और टेस्ट डेब्यू हुआ साल 2010 में श्रीलंका के खिलाफ। अपनी पहली टेस्ट पारी में ही रैना ने शतक ठोका दिया। सुरेश रैना टीम इंडिया के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट वनडे, टी20 और टेस्ट में शतक लगाया है। बाद में इस लिस्ट में रोहित शर्मा का नाम जुड़ा। 2010 के बाद से रैना ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया, खूब रन बनाए और टीम को जीत दिलाई। उनके इस कौशल के कारण फैंस ने उनको मिस्टर भरोसेमंद कहना शुरू कर दिया। रैना ने 18 टेस्ट मैच में 26.48 के औसत से 768 रन बनाए हैं, वहीं 226 वनडे मैचों में 35.41 की औसत से 5615 रन बनाए थे। वहीं बात करें टी20 की तो उन्होंने 78 मैचों में 1604 रन बनाए हैं। आईपीएल में सबसे पहले 3000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड रैना के नाम ही दर्ज है। रैना इकलौते ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने टी20 और वनडे वर्ल्ड कप में सेंचुरी ठोकी है।